हेलो दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सैमसंग का कोई भी फ़ोन हो, अगर उसमें स्लो चार्ज हो रहा है, काफ़ी स्लो चार्ज, डाटा केवल आप बदल चुके हैं, फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम जो मैं आज दिखा रहा हूँ, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपके लिए भी परफेक्ट होगा। दो तीन प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ। एक तो स्लो चार्जिंग, उसके बाद डाटा केबल जो है वो काम ना करे, या फिर आप जब केबल लगाते हैं तो बार बार केबल कनेक्ट और डिसकनेक्ट, कनेक्ट और डिसकनेक्ट का वार्निंग देता रहा। इसी तरह की जो भी चार्जिंग पोर्ट से और चार्जिंग कनेक्टर से जो भी समस्या आती है, उसको कैसे आप तुरंत ठीक कर सकते हैं, आज मैं उसी पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, फ़ोन को खोल लेना है। ये सब फ़ोन को डिसेंबल करने के लिए ये जो कवर है उसको हल्का सा हॉट एयर गन से हीट कर दीजिए। थोड़ी देर धूप में रखने के बाद आप इसको कॉर्नर पे ऐसे, ठीक है, किसी ऐसे यहाँ पे लगाइए, किसी शार्प चीज़ से, ठीक, कोई शार्प चीज़ लगाने के बाद आप इस पर ऐसे ऐसे पूरा कॉर्नर जो है ना ऐसे घुमा लीजिए, आसानी से खुल जाएगा। ठीक है, खुल जाने के बाद आपको क्या करना है, जितने भी स्क्रू है लगे हुए यहाँ, ठीक है, सारे स्क्रू को क्या करना है आपको, डिसकनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से रिमूव करना है सारे स्क्रू को। ठीक है, स्क्रू खुल जाने के बाद आपको ऐसे खोल के यहाँ से हटा लेना है। ठीक है, अब देखिए आपको ये जो है, ये जो चार्जिंग पोर्ट पूरा कंप्लीट आपको नया लगा देना है। ठीक है, क्योंकि इसको चेंज करने के लिए आपको हॉट एयर गन चाहिए और पतला आयरन चाहिए, लेकिन इसे चेंज करने के लिए आपको बस एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए और हल्का सा एक कार्ड चाहिए कोई भी, और थोड़ा सा आप शार्प टूल्स ले सकते, इतना आप घर पे आपके पास होगा, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इसको भी आप हटा दीजिए जैक को। अब यहाँ से आपको इसे भी नेटवर्क केबल जो है इसको भी आपको हटा देना है। ठीक है, केयर से हटाने के, टूटे नहीं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ से इसको ऐसे निकाल दीजिए। ठीक है, अब आपका जो नया है बस आपको यहाँ रखना है, मतलब आप अगर आप खुद से करेंगे इसे तो 2 मिनट भी आपको नहीं लगेंगे, मुझे समझाना लग पड़ रहा है आपको, जिससे थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, ये हुआ, फिर उसके बाद इसको यहाँ इसमें ऐसे अच्छे से बैठा देना है, हो गया। ये नहीं लगाएगा आपका नेटवर्क सही तरीके से नहीं आएगा, अच्छा से लग चुका है। ठीक है, अब आपको फिर से क्या करना है, इसमें कोई अलग से स्क्रू नहीं लगाना है आपको, ऊपर से ही ये जब टाइट होगा तो वो खुद से टाइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे ही अच्छे से बैठा के फिर से सभी स्क्रू को टाइट कर दें। ठीक है दोस्तों, जब अच्छे से स्क्रू टाइट हो जाए तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ये डबल साइडेड टेप लगा हुआ है, हल्का सा ग्लू है इसमें। अब आपको क्या करना है, यहाँ रख के, ठीक है, फिर अच्छे से ऐसे कर देना है। ठीक है, इस तरह दबा दीजिएगा तो इतना ही से ये फिर से चिपक जाएगा। अगर आपको लगता है ये ढीला चिपक रहा है तब आपको डबल साइडेड टेप और इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो कम्प्लीट हो चुका है। अब आपको, ठीक है, कोशिश आपको करना है कि जेन्युइन पार्ट जो ओरिजिनल पार्ट से वो आप मांग डालें तो और बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए चार्जिंग कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो समझ में, वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, इस तरह जरूरी वीडियोज पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।